हम हमेशा नाश्ते में ऐसी रेसिपी ढूंढते हैं जो कि टेस्टी भी हो, हेल्थी भी हो और साथ ही हमारे वेट लूज करने में भी हमारी मदद करे। आज की हमारी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने सेवई ली है लगभग 2 बाउल के हिसाब से। अब इसमें नमक डाल लेंगे और इसे हमने पीस लेना है। इस तरीके से हम इसे पीस लेते हैं। अब हम इसमें दही डाल लेंगे, पानी डाल लेंगे थोड़ा और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेते हैं। थोड़ा पानी डाल करके उसमें डाल लेंगे। आज की जो हमारी नाश्ते की रेसिपी है वो बनने में भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल लेंगे, या इनो हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसे गर्म कर लेते हैं और उस पर 1 छोटा चम्मच तेल डाल लेना है और चारों तरफ अच्छे से इसे फैला लेना है। तेल फैलाने के बाद अब हम इस पर जो बैटर तैयार किया है उसे डाल लेंगे। बैटर हमें ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, इसे बीच का रखते हैं मीडियम, और इसे चारों तरफ से इसी तरह से हमने फैला लेना है। अब हम इसमें सेजवान सॉस ले लेंगे, उसे डाल लगा लेंगे। आप चाहें तो चिली सॉस या टमाटो सॉस, जो भी आपको सॉस पसंद हो आप उसे लगा सकते हैं। इसे चारों तरफ आप अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इन सभी को डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा नाश्ता बन करके, बिल्कुल झटपट। बाकी के भी सभी चीज़ों को तैयार कर लेना है। सुबह के भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए ये परफेक्ट नाश्ता है जो कि झटपट बन करके तैयार हो जाता है, कम समय कम लागत में, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो आप सभी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।